मन मरे न माया मरे, मर मर जाए शरीर, आशा तृष्णा ना मरे। कह गए दास कबीर, अज संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान जो जो पग आगे धरे, कोटिन यज्ञ समान। बंदव सन्मुख पारिखी शीश भेंट धरु हाथ, वचन उचारो बंदगी, सत्य प्रेम के साथ। साहिब बंदगी साहिब, साहिब बंदगी साहिब, साहिब बंदगी साहिब। रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है। अरे कागज की पुड़िया बूंद पर घुल जाना है, रहना नहीं देश नहीं देश बिराना है। संसार काटे की बाड़ी उलझ उलझ मर जाना है, यह संसार काटे की बाड़ी उलझ उलझ मर जाना है, जाना है, रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश।
सतगुरु ज्ञान ठिकाना है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु ज्ञान ठिकाना है। बोलिए सदगुरु देव की जय। थोड़ा जोर से जय बोले। जय बोलने के पहले थोड़े अव्यवस्थित बैठे जैसे लग रहा है, माता लोग और आ जाएं, थोड़ा सामने से जगह है। और जो भाई लोग जो पीछे एकदम कुर्सी में बैठे हैं, यदि सबको जरूरत ना हो कुर्सी की तो आप लोग भी सामने आ करके बैठें। कुछ कुर्सियां छोड़ दिए रहे, सचमुच जिनको जरूरत है उनके लिए ही कुर्सी है। और जो लोग आगे सामने आकर के बैठ सकते हैं नीचे, वो लोग सामने आकर के बैठें। इधर माता लोग जो हैं कुर्सी में हैं, किंतु साध्वी लोगों के लिए जगह छोड़े कुर्सी में, साध्वी लोगों के लिए है। आप लोग भी उनके लिए जगह कम ना हो उसके बाद फिर बैठ सकते हैं। एक बार जोर से जय बोले। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय। जिस संत का इंतजार था अभी तक आए नहीं है, दो चार मिनट उसके आते तक मैं अपनी बातें कह देता हूं। परम पूजनीय गुरुदेव जी, मुदमंगलमय संत समाज, सभा में विराजमान भाइयों बहनों, साध्वी बहनों, वैसे ये सभा आप सबको विदित है कि आत्मलीन स्वरूपलीन श्री शोभा सरन साहेब जी की याद में और उन्हीं की ही कमाई हुई संपत्ति से ये सब प्रोग्राम हो रहा है। खास बातें मैं कहना चाहता हूं। हम लोग सब कबीरपंथी हैं। कबीरपंथियों के गुरुओं से जब कंठी पहन लेते हैं तो कहते हैं कौन है, कबीरपंथी है। किंतु कबीर साहब जी कबीरपंथी कौन, इसके लिए बहुत से पॉइंट रखे। लाइन से तो नियमावली नहीं बना है, किंतु आपके बीच में रखूंगा तो आप कहेंगे कि कबीरपंथी कौन, किसको हम कबीरपंथी कह सकते हैं। उसके लिए कबीर साहब ने कहा मेरा आदमी कौन है। मेरा आदमी मतलब कबीर का आदमी कौन हो सकता है। जो कबीर का आदमी बनता है वही कबीरपंथी है। भले वो माला पहना हो ना पहना हो, टोपी लगाया हो ना लगाया हो, दाढ़ी रखा हो ना रखा हो, वेशभूषा की बात अलग है। यहाँ विचार और रहनी की बात है। जो विचार और रहनी में कबीर साहब के साथ में जुड़ते हैं वो सब कबीरपंथी हैं। वैसे 10-12 पॉइंट मैं रखा हूं, किंतु उसमें केवल 2 पॉइंट पर चर्चा करूंगा, 2-5 मिनट करूंगा। संत लोग आ चुके हैं। पहली है, कहीं कबीर सोई जन मेरा,
जो घर की रार निबेरे। कबीर साहब कहते वह आदमी मेरा है, कौन? जो घर के रार मतलब होता है झगड़ा, जो घर के झगड़ा को निबेड़ा मतलब शुद्ध गुजराती शब्द है निबेड़ा, मतलब समाधान करना। जो घर के झगड़ा को समाधान कर दे, उसको समाप्त कर दे, कबीर साहब कहते कहीं कबीर सोई जन मेरा। और झगड़ा क्या है थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। वैसे ही एक और वाणी है कबीर साहब का, वहां पर है नीर छीर का करे निबेरा, वहां भी निबेड़ा ही शब्द है, किंतु आगे क्या है कहीं कबीर सोई जन मेरा। दोनों भाई चीज हुआ ना, कहीं कबीर सोई जन मेरा, मेरा आदमी वो है, कौन? दो पॉइंट रखा, एक तो वो है जो घर की झगड़ा को मिटा देता है, और दूसरा कौन है? जो नीर और छीर का विवेक करता है। देखिए कबीर वाणी में, कबीर के सिद्धांत में ये जो विवेक शब्द है ना बहुत महत्वपूर्ण है। इससे महत्वपूर्ण कल्याण के रास्ते में इससे बड़ा और किसी ने, कबीर साहब ने कोई रास्ता नहीं बताया। अब विवेक हर जगह विवेक चाहिए, वो विवेक क्या है? उसी विवेक को हम कहते हैं चकासनी करना, परख करना, समझना, उसको एक एक चीज का निर्वारण करना, उसका नाम है विवेक। उसी का दूसरा शब्द है परख। और विवेक और परख का एक लाइन में भी कबीर साहब कहीं पर भी खंडन करते नहीं। और कबीर क्या, पूरे कबीर पंथ चाहे जिस शाखा के हो, विवेक शब्द का कहीं पर भी खंडन नहीं होता है, कहीं खंडन नहीं करते। तो कौन है कबीर पंथी, कौन? पहला सूत्र क्या है? कहीं कबीर सोई जन मेरा, जो घर की रारी निबेड़, घर के झगड़ा को जो निबेड़ देता है, समाधान करता है, शांत करता है। आप कौन सा घर है? कबीर साहब इस जीवन को घर कहते हैं, ये जो शरीर मिला है ना इसको घर कहते हैं। संतों घर में झगड़ा भारी, ऐ संतों ये घर में झगड़ा है। किस घर में? बस ये जीवन रूपी जो मिला है देह रूपी घर में बड़ा झगड़ा है। और इसको मंदिर भी कहते हैं, बिना नेव का देव घरा मन बौरा हो। ये जो घर है बगैर नींव का देव का मंदिर है, अंदर में कौन? श्री परीक्षा साहब जी भी विराजमान हुए, एक बार बंदगी कर लेते हैं। साहेब बंदगी साहेब, घर का झगड़ा को जो निभा दे, वो कौन सा झगड़ा है? जो हमारे पांच ज्ञान इंद्रियां हैं, जो अपनी अपनी तरफ हमको खींचता है और हमको गुलाम बनाए रखता है, उन पांचों इंद्रियों को जो संयम की जिंदगी में जी जाए, कबीर साहब कहते हैं वही मेरा आदमी। और दूसरा कौन? नीर और छीर का विवेक करना, पानी और दूध एक में मिला हो तो पानी को अलग कर दे और दूध को अलग कर दे। ये जीवन खड़ा है जड़ और चेतन दोनों के सम्मिलन से खड़ा है। जड़ को अलग कर दो, चेतन को अलग कर दो, जड़ का मोह छोड़ दो, चेतन में स्थिति बना लो, ये कबीर पंथी होने का पहला सूत्र है। कहें कबीर सोई जन मेरा, जो घर की रारी निबेरे। अब संत लोग आ गए हैं, आप उनके ही अधिक से अधिक वाणी का श्रवण करेंगे। रोज काले और सफेद चूहे हमारे आयु रूपी बरोह के जड़ को काट रहे हैं। ये काले और सफेद चूहे क्या है? काले और सफेद चूहे हैं रात और दिन। रात दिन ये बीतता चला जा रहा है, लेकिन हम अपने लड़के का अपना जब बर्थडे मनाते हैं कहते हैं कि हमारे बच्चे 11 वर्ष के हो गए। अपने जब जब मनाते हैं तो कहते हैं कि भाई भाई 51 वर्ष का हो गया। अरे इतने दिन तुम घट गए, तुम्हारा बच्चा 11 साल का बूढ़ा हो गया, 10 ईयर्स ओल्ड।
और सब कहते हैं साल मान लो उनकी अवस्था 90 साल की है तो 10 साल कम हो गया, 11 साल कम हो गया, तो कम ही तो हुआ। तो रोज रोज हमें ये सीख दे रही है प्रकृति, खुली किताब है, इसको हम पढ़ते नहीं इसलिए भूले हुए हैं। संसार में एक से एक बड़े बड़े महापुरुष आए, यदुपते क्वागते मथुरापुरी, रघुपते क्वागते उत्तर कोसला, इति विचिंत मना करु सिरम नस्दिदम जगते उदाहरण। संसार में बड़े बड़े लोग महापुरुष आए, आज महाराज श्री राम के अयोध्यापुरी में जा करके आप पता लगाओ कि राम का जन्म कहाँ हुआ। यद्यपि उनके नाम से मंदिर, भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, लेकिन उनके पूर्वजों का पता लगाओगे तो कहीं लता पता नहीं चलेगा। और द्वारका में जाकर के यदुपते जो कृष्ण जी हैं उनके भी जीवन के बारे में पता लगाओ तो वह भी मिलने वाला नहीं है। कभी कहते हैं कि तुम अपने जीवन के बारे में विचार करो, लब्ध्वापचा बहुलवान चिरम भुक्तम सुखान्यपि रिक्त हस्तस्य नग्नस्य यस्याम मुस्तो यथा। संसार में आप आए और आपको बहुत चीजें मिली, अपार धन का भंडार मिला, भव्य मकान भी बनाए, गाड़ी मोटर भी खरीदे, बाल बच्चों को भी अच्छी तरह से पढ़ाए लिखाए और नौकरी में उसको भर्ती किए, बहुत कुछ तो मिला, लेकिन वो सब क्या हो गया, सब छूट गए। अंत में क्या होता है, रिक्त हस्तस्य नग्नस्य यस्याम मुस्तो यथा, खाली हाथ नंगे बदन इस संसार से जाओगे। और देहरादून में कहावत भी है, अगर करधनी कमर में कहीं करधनी है तो उसको भी तोड़ के निकाल लेते हैं, माताओं के जो शरीर में जो श्रृंगार होता है उसको भी लोग निकाल लेते हैं। ये नहीं कहते कि भाई उनके साथ कुछ जाने दीजिए। तो संसार का नियम है कि जो आया है उसको खाली हाथ जाना है। जैसे कोई अपार संपत्ति लेकर के जा रहा हो, सुनसान जगह पर चोर मिल गया और सब कुछ छीन लिया, ऐसे ही जब यमराज आएंगे और आपको सब कुछ छीन करके ले जाएंगे। कहा जाता है कि एक बार सदगुरु कबीर साहेब काशी के दशाश्वमेध घाट पर नगर के एक प्रतिष्ठित सेठ जी का शरीर छूट गया था और उनके अंत्येष्टि क्रिया में वो शामिल थे। एक सज्जन आया कबीर आश्रम पर और पूछा संतों से, भाई मैं सदगुरु कबीर साहब से मिलना चाहता हूँ। संतों ने बताया कि देखो भाई, साहब जी तो यहाँ है नहीं, आप उनसे मिलना चाहते हैं तो आप चले जाइए दशाश्वमेध घाट पर, जहाँ पर उस सेठ जी की अंत्येष्टि क्रिया हो रही है। वह सज्जन रास्ता पूछ लिया वहाँ, और हाँ ये भी बताया, उस सज्जन ने पूछा कि मैं कबीर साहब को कैसे पहचानूंगा कि यही कबीर साहब है। तो संतों ने बता दिया, जिसके सिर पर लाइट जलती है उसको तुम समझ लेना कि यही कबीर साहब है। और वह बेचारा परिचय लेकर के वहाँ जब जाते, देखते हैं वहाँ हजारों की संख्या में लोग बैठे हुए हैं और सबके सिर पर लाइट जल रही है, ये बड़ा उसको आश्चर्य लगा। वहाँ तो मुझे ये बताया गया था कि जिसके सिर पर लाइट जलती होगी उसको कबीर साहब समझना, और मैं यहाँ देख रहा हूँ कि जितने लोग बैठे हैं सबके सिर पर लाइट जल रही है। थोड़ी देर के बाद जब चिता जल करके ठंडी हो गई तो वहाँ जितने लोग गए थे सब लोग गंगा में डुबकी लगाए, और डुबकी लगा करके जब बाहर निकले तो सब के सिर के लाइट ऑफ हो गए, बुझ गई। जब बाहर निकले तो एक व्यक्ति ऐसा था जिसकी जो डुबकी लगाने पर भी उसके सिर के लाइट नहीं बुझी, समझ गया कि यही कबीर साहब है। बातों को समझाने के लिए महात्मा लोग उदाहरण गढ़ लेते हैं। हम किसी के अंत्येष्टि में जाते हैं, किसी के घर ऐसी दुर्घटना घट जाती है तो लोगों के मुख से यही बातें निकलती हैं
कि भैया ये संसार ही ऐसा है, संसार छूट जाने वाला है, कोई किसी का नहीं है, लेकिन अपने लिए विचार नहीं करते हैं कि हमको भी इसी रास्ते में ऐसी हमारी अवदशा होगी। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, सर्वे क्षयांता निचया पतनांता समुच्चया संयोगा विप्रयोगांता मरणांतम ही जीवतम। संयोग का वियोग होता है, संग्रह का विग्रह होता है, और उन्नति का उन्नति होती है, जन्म का मरण होता है, ये प्रकृति का विधान है। इसलिए आज जिस आसन में हम लोग बैठे हुए हैं, हमारे गुरु भाई ज्येष्ठ गुरु भाई थे श्री शोभा शरण साहेब जी ने सारे संसार को छोड़ करके चल दिया और अंत में अपने शरीर को भी लोक कल्याण के लिए उन्होंने दान कर दिया। हमों को भी चाहिए, भी हम सबको भी चाहिए कि ऐसे रास्ता को अपनाएं, अपने जीवन को सार्थक बनाएं। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। जीवन की असारता, मन का भंगुर विचार, श्री साहेब जी के बहुत सुंदर विचार श्रवण किए। अब हमारे बीच में विराजमान है परम पूजनीय संत श्री गुरुजतन साहेब जी। अब बाद में बोला मत करो ना। श्री गुरुजतन साहेब जी हमारे बीच में विराजमान है, आपसे निवेदन है कि आप भी 10-12 मिनट में अपनी बातें रखेंगे श्री गुरुजतन साहेब जी। पूजा मूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परं तपः गुरुपरतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरुपरम। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय। सद्गुरु श्री राम सुरस साहिब की जय। सद्गुरु श्री अभिलाष साहिब की जय। यह कार्यक्रम त्रिदिवसीय संत श्री शोभतरण साहिब के स्मृति में यह भव्य कार्यक्रम हो रहा है। इस अवसर पर दूर दूर से विराजमान सभी पूजनीय संतों से के चरणों में आए हुए सभी निर्चिरविवेकी भक्त सज्जनों, माता बहनों, प्यारे बच्चों, हमें यहाँ से सीख लेकर के जाना है, सीख लेना है। इस दुनिया में जो आते हैं, गृहस्थ हो, विरक्त हो, नर हो, नारी को, बालक हो, वृद्ध हो, सबको जाना ही होता है। लेकिन जाने के पहले सोचता है ये सब मेरा है, ये सब मेरे हैं, छूट जाने का आशा नहीं करता, ले जाने के ही आशा करता है, सब मेरे हैं। अभी हमें सीखने की आवश्यकता है। आज त्रिदिवसीय सत्संग समारोह में जितने लोग आए हैं, संत और भक्त, और यहां भोजन भंडारा सत्संग जो भी हो रहा है, संत श्री शोभस राम साहेब के स्मृति में, उन्होंने यह आश्रम बनाया 50-53 साल हो गया, लेकिन धन तो बहुत कमाया, धन बहुत कमाया, इकट्ठा किया, लेकिन जीवन में इतनी बड़ी सभा,
सत्संग भोजन भंडारा उनके जीवन में कभी नहीं हुआ था इस आश्रम में, उनका ही देन है। लेकिन उन्होंने अपने जीवन काल में कुछ भी धन तो कमाया, धन को धर्म के छोड़ करके गया, लेकर के नहीं। ना उनका परिवार, परिवार होता तो परिवार को दे करके जाते, परिवार में नहीं है। उनके चाचा चचेरे भाई भी है, भतीजा भी है, और लोग भी हैं, लेकिन परिवार से नाता दूर रखे, संतों से ही प्रेम रखे। और जोड़ते जोड़ते संपत्ति इतना जोड़े, आज ये सब देख रहे हैं ना, इस आश्रम में चार साधु है, चार साधुओं को थोड़ा सा पूंजी मिला है, उसी का ही ये सब माया फैलाया है इस चार साधुओं ने। इन सब इनको भाग्य से मिला है, इन साधुओं को भाग्य से मिला कुछ, उसके इन लोगों के सुबुद्धि आई, हम ऐसा सेवा करें उन्हीं के स्मृति में, उन्हीं के स्मृति में ऐसा काम करें ताकि जनता को लाभ हो, सत्संग और भजन भोजन सब कुछ मिले। मैंने कल पता लगाया, हम लोग भी जाते हैं हर आश्रमों में, आश्रम में जाते हैं, लाइन लगा रहता है दान दाताओं की, पूछने की जरूरत नहीं, चावल के बोरी बोरी इकट्ठा होता है, दान देने वाले अर्थ दान भी देते हैं। लेकिन यहाँ कल मैंने पता लगाया इस कार्यक्रम में कितना चावल और द्रव्य आया है, यहाँ के व्यवस्थापक लोग बताया है कि 50-60 किलो चावल आया है और 10-12 हजार दान चंदा आया है। अन्य आश्रमों में आप जाकर के देखे, इतने बड़े भव्य भीड़ को देख करके हो सकता है लाखों रुपया आ जाते, और बोरा चावल के तो ढेर लग जाते। आप छोटे छोटे भी आश्रमों में जाकर के देखे, लेकिन यहां पर उनका दिया हुआ संपत्ति उन्हीं की संपत्ति है, हम सब खा रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपना जीवन में नहीं किया, ब्रेक कर दिया, उन्होंने ब्रेक करके गया जनता को। क्यों? शूमपना उसके अंदर में था। हम सीख ले, हम सब साधु हैं, साधु का भेष है, जो कुछ भी जनता से मिलता है जनता के पीछे ही खर्च करने की जरूरत है, जनता के पीछे हमें जोड़ने की जरूरत नहीं है। व्यक्तिगत हमको क्या चाहिए? रोटी चाहिए, धोती चाहिए और कुछ छाया चाहिए, मिला है। सद्गुरु अभिलाष देव ने कहा, हमें एक बार नहीं अनेकों बार कहा, देखो ये शरीर को अंतिम समझना, और आजकल में मौत होगी, लेकिन शरीर रहते रहते रोटी धोती छाया के चिंता नहीं करना, ये सब घलवे का चीज है। घलवे कहते हैं पुरौनी, जैसे आप परवर खरीदते हैं तो परवर खरीदते हैं, परवर के दाम देते हैं, दाम देने के बाद कहते हैं थोड़ा सा धनिया दे देना, दो ठो मिर्चा डाल दे, धनिया भी दे देते हैं, मिर्चा भी डाल देते, उसका पैसा नहीं लेते, उसे घलवा कहा जाता है। संत अपने रहने में रहता है, उसे मांगना नहीं पड़ता है, बहुत मिलता है। सद्गुरु विशाल देव ने कहा, तृष्णा रहित सो सुख को पावे, एकरस चाल अटूटे। तृष्णा को त्याग करके जो रहता है, जोड़ता नहीं, बहुत मिलता है, अनेकों उदाहरण है हम सबके जीवन में। सद्गुरु अभिलाष देव का जीवन साक्षात अभी
हम सबके लिए पूरा खुले किताब है। उन्होंने सब कुछ को त्याग करके घर से 21 वर्ष की उम्र में गुरु के शरण में आए और गुरु के शरण में आने के बाद अपार धन और जन मिला। कहीं पर कोई प्रमाण नहीं दे सकता है उन्होंने अमुक से कुछ याचना किया हो, करवाया हो, कुछ भी नहीं। लेकिन आज करोड़ों नहीं अरबों की संपत्ति में, अरबों की संपत्ति उनके जीवन काल में इकट्ठा हो गया। संत समाज सैकड़ों नहीं हजारों भक्त सज्जन भी और संतों के समूह, क्यों? त्याग के बल पर। त्याग, त्याग, जो त्याग करता है तृष्णा रहित सो सुख को पावे। एक रस चाल अटूटे, अटूट चाल चलने की जरूरत है। अटूट चाल कहते हैं जैसे एक दीपक है, बड़ा सा दीपक में तेल भरा हुआ है नांदी में और उसमें मोटी बत्ती लगी हुई है, उसमें आग के चिंगारी है, अंधकार को भगा रहा है। लेकिन एक रस चाल, एक रस लगातार तेल बाती में समर्पित है और बाती उस आग के चिंगारी में समर्पित है। तेल और बाती बदलना पड़ेगा लेकिन आग के चिंगारी को बदलना नहीं होगा, वही चिंगारी रहेगा, वही चिंगारी। उसी प्रकार से तेल एक रस बाती को अपने को पिलाता है और बाती निरंतर आग को देता है उस तेल को समर्पित। एक रस चाल, उसी प्रकार से सदगुरु कहते एक रस हम सबको ज्ञान भक्ति और वैराग्य पूर्वक जो मिलता है खर्च करते जाए, खर्च करते जाए, जोड़ने की जरूरत नहीं। यहां तक मुझे सुनने को मिलता है, आश्चर्य होता है, मैं तो कहीं से किसी को मांगा नहीं और ना किसी को दिया हूं। आश्रम में रहता हूं जरूर, लेकिन आज तक मैंने किसी से नहीं कहा कि मुझे वहां जाना है, वहां का किराया भाड़ा दो, वहां से आया हूं वहां सा किराया भाड़ा दो। लेकिन आज संत को मिलता है और संतों से भी क्षमा चाहता हूं कि संत लोग भी ये कहने के कहते सुना हूं कि इतना किराया लगा है वहां से आने जाने का, इतना दो, अथवा तुम बुला रहे तो इतना किराया देना होगा। ये नहीं, आखिर मिलता किस लिए है? मिलता किस लिए है? खर्च करने के लिए मिलता है, मांगने की जरूरत नहीं है। आज पूज्य संत श्री शोभा सरन साहब है हमारे साथ साथ, हम लोग घर छोड़े साथ साथ भेष हुआ और साथ साथ जीवन बिताया, साथ साथ जीवन बिताया। लेकिन उन्होंने अपने जीवन में बहुत इकट्ठा किया और जाते समय कुछ भी लेकर के नहीं गया, कुछ भी लेकर के नहीं गया, ना जीवन में कुछ इस प्रकार से समाज जोड़ सके, इकट्ठा कर सके, कुछ कर लूं ऐसा कभी स्वप्न नहीं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं ना, ये भवन, ये बरामदा है, बरामदा का अंदर बरामदा और अंदर बरामदा, चार खंड है लेकिन कहीं पर खिड़की नहीं, एक दरवाजा है, एक दरवाजा है, खिड़की रहित ऐसा भवन भी है। संतों से सलाह नहीं, इसलिए हम सबको संत गुरु में समर्पित होकर के जीवन जी रहे हैं तो सोचे, चिंतन करें, साहेब से बहुत शिक्षा लेकर के हमें जाना है, बहुत इकट्ठा किए लेकिन गया उसके साथ कुछ भी नहीं, हमारे साथ भी कुछ भी नहीं जाएगा। इसलिए तन से सेवा कीजिए, मन से भले विचार और धन से इस संसार में करिए परोपकार। आज अवसर मिला है केवल आज, अब कहू राम नाम अविनाशी, हरि छोड़ जीरा कतहुन जासी। अविनाशी राम नाम में चित्त जोड़ने का और तन मन धन से सेवा करने का आज ही समय है। गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, आज ही समय है। शरीर छूट जाएगा, कुछ भी नहीं मेरा, न कुछ साथ जाएगा, न धन जाएगा, न जन जाएगा, किसके लिए मैं जोड़ू? कौन मेरा है, क्या मेरा है? बड़े बड़े लोग सब आए और हाथ पसार के चल दिए है। मैं आप सबसे वाणी, कड़वी वाणी आप सबको अप्रिय लगी होगी, क्षमा चाहूंगा। और हम सब साहेब से, सुभद्रन साहेब से यही सीख लेकर के जाएं कि इस प्रकार से हम जोड़ते न रहें और
जीवन में कुछ करके जाएं, कुछ करके जाएं। अवसर मिला है, अवसर फिर न मिलेगा। बांध मत गठरिया प्राणी पाप के, गठरिया बांध बांध कर जोड़ जोड़ के हम जोड़ते चले जाएं, बैंक बैलेंस कर जाएं, घर में रखते जाएं जमीन को, लेकिन इस प्रकार से ना हो। इस प्रकार से हम सबको उनसे सीख भी लेना है और जीवन को अपने को तराशना है। मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ।